हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इन कॉमर्स वंस अगेन। इस कोरोना पैंडेमिक की वजह से सीबीएसई ने हमारे कई सारे क्लासेस का सिलेबस डिलीट किया है, कई सारे टॉपिक्स डिलीट किए हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको ट्वेल्थ क्लास के लिए जितने टॉपिक्स अकाउंट्स इकोनॉमिक्स बिजनेस के डिलीट हुए थे मैंने आपको सब सब बताए थे। आज मैं आपको इलेवंथ क्लास के लिए जो रिवाइज सिलेबस हुआ है, यानी जो जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं वो सब आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो देखो, इसमें कौन कौन से डिलीट सब्जेक्ट्स हुए हैं या टॉपिक्स हुए हैं, उसमें सबसे पहले हम अकाउंट्स की बात करते हैं। तो अकाउंट्स के अंदर इलेवंथ क्लास के जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं वो हम मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। तो उसमें शुरू के कोई चैप्टर्स में ऐसा कोई डाउट कोई डिलीशन नहीं है, सिर्फ आपका जो पहला जो टॉपिक है वो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में ऐसा नहीं है कि पूरा चैप्टर डिलीट हुआ है, सिर्फ जो इसका एडजस्टेड कैश बुक वाला मेथड है जिसमें हमें एडजस्टेड कैश बुक बनाकर बीआरएस बनाना पड़ता है, वो आपका टॉपिक डिलीट हुआ है। यानी कि नॉर्मल बीआरएस का जो टॉपिक है वो आपका चैप्टर पूरा पूरा कवर्ड है, सिर्फ जो आखिरी में टॉपिक है एडजस्टेड कैश बुक का वो आपके अब कोर्स में नहीं होगा। इसी तरीके से आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर भी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर बाकी सारी ड्रॉअर की बुक्स में, ड्राई की बुक्स में, जो एंडोर्सी वगैरह की बुक्स में, सारी एंट्रीज नॉर्मल चलेंगी। सिर्फ उसके अंदर जो रिटायरमेंट ऑफ बिल की जो एंट्रीज हैं, ये भी लास्ट टॉपिक है आपका इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर रिटायरमेंट ऑफ बिल और साथ में रिन्यूअल ऑफ बिल, रिन्यूअल बिल या फिर इंसॉल्वेंसी ऑफ जो पर्सन का होता है, इंसॉल्वेंसी का केस और रिन्यूअल का केस, ये दोनों ही केस आपके नहीं आएंगे। ओके, तो बीआरएस के अंदर एडजस्टेड कैश बुक वाला मेथड ये आपका डिलीट हो गया है, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर रिटायरमेंट ऑफ बिल और रिन्यूअल ऑफ बिल, ये दोनों टॉपिक आपके डिलीट कर दिए गए हैं। ये तो हो गया आपका पार्ट ए का, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला पार्ट है। ओके, उसके बाद आपका सेकेंड पार्ट में, ए पार्ट में ये हो गया आपका, और बी पार्ट में आपका जो फाइनल अकाउंट्स वाला चैप्टर है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का है, उसके अंदर जो सिंगल एंट्री का चैप्टर है, यानी कि नॉर्मल फाइनेंशियल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स के अंदर कोई डिलीशन नहीं है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपका सिंगल एंट्री वाला चैप्टर है, यानी कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाला, जो सिंगल एंट्री सिस्टम वाला चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, यानी कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जो डिफरेंस है वो नहीं आएगा, और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट मींस जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और साथ ही साथ इसके साथ जो डिफरेंस है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का, वो आपका टॉपिक नहीं आएगा। और साथ ही साथ जो हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं इस चैप्टर के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये चीजें इस चैप्टर के अंदर नहीं आएंगी सिंगल एंट्री के अंदर। लेकिन जो आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वाला न्यूमेरिकल है, जो शुरुआत में इंट्रोडक्शन वाले न्यूमेरिकल हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जो 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, वो डिलीट नहीं हुए हैं। सिर्फ एक तो डिफरेंस है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, और साथ ही साथ इसके अंदर जो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट्स बनाई जाती हैं वो नहीं आएगा, वो डिलीट हो गया इस चैप्टर के अंदर से, बाकी पूरा चैप्टर आएगा। इसके बाद इसी में हमारे पास जो कंप्यूटर्स वाला पार्ट है, यानी कि यूनिट फोर के अंदर जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है, कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, इसके अंदर भी कुछ कुछ पार्ट्स डिलीट हुए हैं, सारे नहीं, कुछ पार्ट्स डिलीट हुए हैं। जैसे कि आपका जो इंट्रो है अबाउट सॉफ्टवेयर, यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में जो इंट्रोडक्शन है वो नहीं आएगा। उसके बाद जो आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो थ्योरी नहीं आएगी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं आएगी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका नहीं आएगा, ठीक। और ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बता रहा था
ये भी आपके कोर्स में नहीं आएगा। तो ये टॉपिक आपके थ्योरी में जो थे कंप्यूटर्स में ये नहीं आएंगे। साथ ही साथ जो आपके ऑटोमेशन स्टेजेस के अंदर स्टेजेस जो ऑटोमेशन के अंदर हैं वो भी आपके कोर्स में नहीं आएंगी। स्टेजेस मतलब चाहे काउंटिंग प्रोसेस हो, सोर्सेज हो, एक एक थोड़ा बताता हूँ कि जो भी स्टेजेस हैं आपके, जैसे अकाउंटिंग प्रोसेस इस कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर, उसके बाद सोर्सेज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये टॉपिक डिलीट हो गया है। काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर नहीं आएगा। और उसके अलावा जो भी आपके पास टॉपिक्स है, जैसे रेडीमेड सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, क्रिएशन ऑफ ग्रुप्स, ये टॉपिक नहीं आएगा आपका। और साथ ही साथ जो हम रिपोर्ट जनरेशन करते हैं वो भी टॉपिक नहीं आएगा। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो आपके कोर्स में कंप्यूटराइज्ड इन अकाउंट्स में, कंप्यूटराइज्ड अकाउंट्स के अंदर नहीं आएंगे। तो मैंने आपको ये बताया अकाउंट्स के अंदर कि BRS के अंदर एक एडजस्टेड कैश बुक का मेथड, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में रिटायरमेंट और रिन्यूअल बिल वाला टॉपिक, और सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनाते हैं वो टॉपिक नहीं आएगा, और शुरू का थ्योरी का पार्ट नहीं आएगा। बाकी पूरा चैप्टर इसमें कवर्ड होगा। और कंप्यूटराइज के अंदर ये आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, उसके अलावा स्टेजेस जो ऑटोमेशन के अंदर है, अकाउंटिंग प्रोसेस, सोर्सेज ऑफ सॉफ्टवेयर, काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर, क्रिएशन ऑफ ग्रुप्स, ये सब टॉपिक्स आपके डिलीट हो गए हैं। तो मैंने आपको अकाउंट्स के अंदर बताया कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके डिलीट हो गए हैं 11th क्लास के। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपके डिलीट हुए हैं उसको जरा एक बार समझ लेते हैं। इकोनॉमिक्स क्लास 11th के अंदर जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं उसमें सबसे पहले आपको पकड़ना है जो स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है। इस स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट में जो यूनिट 3 है डिस्पर्जन का, डिस्पर्जन के अंदर आपका जो शुरुआत के टॉपिक्स हैं मींस जैसे रेंज और कॉफिशियंट ऑफ रेंज, रेंज और कॉफिशियंट ऑफ रेंज का टॉपिक डिलीट हो गया। इसी तरह से क्वार्टल डिवीजन एंड कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टल डिवीजन, ये आपका टॉपिक डिलीट हो गया। और मीन डिवीजन और उसका कॉफिशियंट, ठीक है ना। तो रेंज, क्वार्टल डिवीजन, मीन डिवीजन और उनके कॉफिशियंट्स, ये सारे टॉपिक्स आपके डिलीट हो गए हैं। और बाकी स्टैंडर्ड डिवीजन आपका इसमें चलता रहेगा, लॉरेंस कर्व इसमें चलता रहेगा। तो ये टॉपिक डिस्पर्जन के अंदर खत्म हुआ। दूसरा कोरिलेशन के अंदर, कोरिलेशन के अंदर आपका स्कैटर डायग्राम चलेगा, काल पेसन वाला मेथड चलेगा, सिर्फ जो स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन वाला मेथड है, स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन का जो टॉपिक है वो आपका टॉपिक डिलीट हो गया है। इंडेक्स नंबर के अंदर भी, जो आपका लास्ट चैप्टर है, इंडेक्स नंबर के अंदर भी आपके सारे मेथड्स आ रहे हैं, सिर्फ जो लास्ट का मेथड है IIP का, यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी IIP वाला जो फॉर्मूला है वो आपका डिलीट हो गया है। बाकी पूरा चैप्टर आपका आ रहा है कोर्स में। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर सब ये तीन टॉपिक्स हैं, डिस्पर्शन के अंदर रेंज, क्वार्टल डिवीजन और मीन डिवीजन, कोरिलेशन के अंदर स्पीयरमैन वाला मेथड रैंक कोरिलेशन का, और इंडेक्स नंबर के अंदर सिर्फ लास्ट में जो IIP का मेथड है वो आपका कोर्स से डिलीट हुआ है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर हो गया। इसकी जो दूसरी बुक है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स, इस माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी जो टॉपिक डिलीट हुए हैं वो आपको बता रहा हूं। आपका फर्स्ट चैप्टर एज इट इज रहेगा, उसमें जो आपका इंट्रोडक्शन के बाद प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का कर्व है, यानी यूनिट 4 के अंदर आपकी इस बुक में फर्स्ट चैप्टर होगा जो आपका PPC का टॉपिक है, PPC का जो कंसेप्ट है ये पूरा आपका डिलीट हो गया है। तो जो डिलीटेड हुए हैं टॉपिक्स उसमें इस चैप्टर यूनिट 4 के अंदर PPC का कंसेप्ट आपका खत्म हो गया, जिसके अंदर फीचर्स या इसके मीनिंग वगैरह के डायग्राम वगैरह सब खत्म हो गए। ऐसे यूनिट 6 है, यूनिट 5 में डिमांड में कुछ चेंजेस नहीं है, लेकिन यूनिट जो 6 है, 5 नहीं 6, 5 तो डिमांड का है, और 6 के अंदर आपका जो प्रोड्यूसर बिहेवियर का है, प्रोड्यूसर बिहेवियर के अंदर जो प्रोडक्शन का चैप्टर है उसके अंदर लास्ट में जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का टॉपिक है, यानी कि प्रोडक्शन भी आ रहा है, कॉस्ट भी आ रहा है, रिवेन्यू भी आ रहा है, सब आ रहा है, सिर्फ जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का टॉपिक है
यानी उसके जो चाहे मीनिंग हो और चाहे उसकी कंडीशंस हो इक्विलिब्रियम की, मीनिंग एंड कंडीशंस इक्विलिब्रियम आपके कोर्स में, यानी कि जो इसका MRMC अप्रोच था, एक ही तो इसमें कोर्स में था हमारा MRMC अप्रोच, वो आपकी कोर्स से डिलीट हो गई है। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का पूरा टॉपिक ही आपका डिलीट हो गया है। ओके, बाकी इस चैप्टर इस यूनिट के अंदर प्रोडक्शन, कॉस्ट, रिवेन्यू और सप्लाई सब कुछ आ रहा है। प्रोड्यूसर बिहेवियर के बाद आपका जो यूनिट 7 है, यूनिट 7 के अंदर जो आपके मार्केट वाला चैप्टर है, उस मार्केट फॉर्म्स के अंदर आपका परफेक्ट कंपटीशन तो आ रहा है, लेकिन जो डिलीट हुआ है वो मोनोपोली का टॉपिक और मोनोपोलिस्टिक का टॉपिक, मोनोपोली मार्केट और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये दोनों टॉपिक आपके डिलीट हो गए हैं। यानी कि इसके अलावा परफेक्ट कंपटीशन हो या ओलिगोपोली हो, वो कोर्स में है, सिर्फ मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक का टॉपिक, इनके मीनिंग और फीचर्स दोनों ही आपको नहीं करने, ये आपके डिलीट हो गए हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 11th क्लास की इकोनॉमिक्स का। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपके ये छोटे से डिस्पर्शन कोरिलेशन इंडेक्स नंबर के अंदर कुछ टॉपिक्स डिलीटेड हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर PPC वाला, प्रोड्यूसर बिहेवियर के अंदर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का, और मार्केट फॉर्म्स में मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक का, ये दो टॉपिक आपके डिलीट हुए हैं। ओके, अब मैं आपको बताता हूं बिजनेस के अंदर, बिजनेस के अंदर भी जो टॉपिक डिलीट हुए हैं वो डिलीट बता रहा हूं मैं आपको। BST क्लास 11th के अंदर आपका जो पार्ट ए है, मींस फाउंडेशन ऑफ बिजनेस के अंदर आपका, इसके अंदर यूनिट 2, ये यूनिट 2 वाला चैप्टर है जिसमें फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इस चैप्टर के अंदर, बाकी सब कुछ है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप सब कुछ आएगा, सिर्फ इसके अंदर जो डिलीट हुआ है वो चॉइस वाला जो क्वेश्चन था कि आपको कैसे चॉइस करनी है, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे की जाती है, ये वाला टॉपिक आपका डिलीट हो गया है। ओके, ऐसे ही यूनिट 3 के अंदर जाते हैं, जहां पे पब्लिक प्राइवेट और ग्लोबल एंटरप्राइजेस वाला टॉपिक है आपका, ये चैप्टर आपका है पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस वाला। इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक डिलीट हुआ है वो है ग्लोबल एंटरप्राइजेस के अंदर, पब्लिक प्राइवेट के अंदर नहीं, सिर्फ ग्लोबल एंटरप्राइजेस के अंदर इसके फीचर्स, उसके अलावा जॉइंट वेंचर वाला टॉपिक डिलीट हो गया है, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये वाला जो कंसेप्ट है ये भी आपका डिलीट हो गया है। तो ग्लोबल एंटरप्राइजेस के अंदर उसके फीचर्स, ग्लोबल एंटरप्राइजेस के जॉइंट वेंचर का कंसेप्ट, जॉइंट वेंचर का टॉपिक, उसके फीचर्स, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो टॉपिक है ये आपका डिलीट हो गया है। इसी तरीके से अगर हम यूनिट 4 की तरफ जाएं तो आपका बिजनेस सर्विसेज के अंदर आपका जो टॉपिक डिलीट हुआ है वो है पोस्टल सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज का टॉपिक डिलीट हो गया, जिसमें मेल हो, रजिस्टर्ड पोस्ट हो, पार्सल हो, स्पीड पोस्ट हो, कुरियर हो, ये सब डिलीट हो गया। मतलब मैं आपको कहूँ मेल, चाहे मेल हो, चाहे वो पोस्ट हो, चाहे वो पार्सल का टॉपिक है, चाहे स्पीड पोस्ट का है, ओके, और साथ साथ कुरियर का, ये सारे टॉपिक आपके इसमें डिलीट हो गए हैं इस चैप्टर में से। अब मैं आपको बताता हूँ यूनिट 5 के अंदर जो आपका इमर्जिंग मोड वाला चैप्टर है, इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, इसके अंदर जो टॉपिक डिलीट हुआ है वो है BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी कि इसका जो कंसेप्ट है, इसकी नीड है या स्कोप है, ये सब पूरा BPO का टॉपिक आपका डिलीट हो गया इस चैप्टर में से, इस यूनिट 5 में से। यूनिट 6 में देखें तो इसके अंदर आपका जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला चैप्टर है, इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले चैप्टर के अंदर एक टॉपिक सिर्फ बिजनेस एथिक्स ये डिलीट हुआ है, बाकी पूरा चैप्टर आपका आ रहा है। बिजनेस एथिक्स में इसके जो कंसेप्ट हैं और जो इसके एलिमेंट्स हैं, ओके, ये आपके डिलीट हो गए हैं यूनिट 6 में। अब आते हैं पार्ट बी के अंदर।
पार्ट बी के अंदर आपका जो यूनिट 7 है, यूनिट 7 के अंदर जो आपका सोर्सेज वाला चैप्टर है बिजनेस फाइनेंस का, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के अंदर जो टॉपिक डिलीट हुआ है उसमें बोरोड फंड्स, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में जो डिबेंचर्स वाला, जैसे बोरोड फंड्स वाला टॉपिक है, बोरोड फंड्स वाला टॉपिक, इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट्स, ठीक है ना, ये इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट्स और बोरोड फंड्स, ये दोनों टॉपिक आपके डिलीट हो गए हैं। यूनिट 8 के, यूनिट 9 के अंदर है, 8 नहीं 9 के अंदर आपका इंटरनल ट्रेड वाला चैप्टर है। इस इंटरनल ट्रेड के अंदर आपका जो टॉपिक, दो टॉपिक डिलीट हुए हैं, एक तो टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड, जितने भी टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड हैं उसमें जो डिलीट हुआ है एक इटिनरेंट वाला, इटिनरेंट रिटेलर और स्मॉल स्केल, इटिनरेंट रिटेलर, स्मॉल स्केल रिटेलर और फिक्स्ड शॉप रिटेलर, ये टॉपिक आपके डिलीट हो गए इसमें से, और साथ साथ इसका जो जीएसटी का कंसेप्ट है इसके अंदर वो भी आपका डिलीट हो गया। ओके, तो जीएसटी का कंसेप्ट और साथ साथ रिटेल ट्रेड के अंदर उसके टाइप्स में इंटरनेट रिटेलर, स्मॉल स्केल रिटेलर और फिक्स शॉप रिटेलर, ये तीनों टॉपिक आपके डिलीट हुए हैं। यूनिट 10, ये जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड का है, इस इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर भी जो टॉपिक डिलीट हुए हैं वो बता रहा हूं। सबसे पहले एक्सपोर्ट ट्रेड आपका डिलीटेड है पूरा, एक्सपोर्ट ट्रेड के अंदर इसका मीनिंग एंड प्रोसीजर। ओके, एक्सपोर्ट ट्रेड और इंपोर्ट ट्रेड, इन दोनों का ही मीनिंग एंड प्रोसीजर आपका डिलीट हो गया है। उसका जितने भी डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व हैं, जो डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व हैं इस इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, वो आपके डिलीट हो गए हैं, चाहे वो इंडेंट हो या शिपिंग बिल है, शिपिंग ऑर्डर है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके जो इन्वॉल्व थे वो आपके डिलीट हो गए हैं। और लास्ट में WTO का जो टॉपिक है वो भी आपका डिलीट हो गया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स, ये टॉपिक आपके अब डिलीट हो चुके हैं। तो ये आपको मैंने दिखाया कि कौन कौन से चैप्टर आपके इस 11th क्लास के अंदर बिजनेस के अंदर डिलीट हुए हैं। तो बिजनेस के अंदर यूनिट 2 में अंदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का, यूनिट 3 के अंदर पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल एंटरप्राइजेस के अंदर ग्लोबल और PPP का कंसेप्ट, और बिजनेस सर्विसेज के अंदर पोस्टल सर्विसेज वाला टॉपिक, और इस एमर्जिंग मोड्स के अंदर BPO का टॉपिक, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर बिजनेस एथिक्स का टॉपिक, बिजनेस फाइनेंस के अंदर बोरोड फंड्स और ICD, इंटर कंपनी इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, इंटरनल ट्रेड के अंदर टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड और GST, और इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर एक्सपोर्ट ट्रेड और इंपोर्ट ट्रेड, डॉक्यूमेंट्स उसके, और साथ में WTO का मीनिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो मैंने आपको ये सारा बताया, तो आपने ये देख लिया कि अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस स्टडीज के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपके 11th कोर्स के अंदर अब डिलीट हो चुके हैं। ये सारा ध्यान रख लो, और ये रिवाइज्ड कोर्स आपका पूरा बन चुका है 11th क्लास का। ओके, तो ये आपका पूरा आपको समझ आ गया होगा, तो स्टे कनेक्टेड विद लर्न इन कॉमर्स। मैं आपको आगे साथ साथ वीडियोस दिखाता रहूँगा, आगे वीडियोस बनती रहेंगी और आप इसको कनेक्टेड रहो। तो स्टे कनेक्टेड विद लर्न इन कॉमर्स, थैंक यू, गुड बाय।